चैप्टर नंबर 10 थ्योरी चैप्टर है, और अगर आपको याद हो तो पिछले 3 साल से एक सिलसिला चला आ रहा है। 8वीं में साइंस का जो लास्ट चैप्टर था वो भी स्पेस से रिलेटेड था, स्टार के ऊपर पढ़े थे कि किस तरीके से फॉर्मेशन इन स्टेट। अब 6th का मेरे को नहीं पता, मैंने 8वीं का वो चैप्टर पढ़ाया था, वैसे तो मैं 9वीं और 10वीं को ही पढ़ाता हूँ, लोअर क्लास को पढ़ाता था, बट 8वीं का एक बार वो चैप्टर पढ़ाया था। तो वहां पर हम लोगों ने फॉर्मेशन एंड डेथ ऑफ स्टार, गैलेक्सीज के बारे में पढ़े थे, स्टार किस तरीके से मरता है और बनता है, सन किस तरीके से मरेगा, ये सब हम लोगों ने उसके अंदर पढ़े। 9th हाँ, सन का भी एक टाइम फेज है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि पिछले 4.5 बिलियन ईयर्स से वो जल रहा है और 4.5 बिलियन ईयर्स वो चलेगा, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। देन 9th स्टैंडर्ड में जब आए तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़े थे ऑब्जर्विंग स्पेस, वहां पर बात किए थे टेलीस्कोप कि किस तरीके से टेलीस्कोप की मदद से हम लोग स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं। अब 10th स्टैंडर्ड में हमने को फिर से एक चैप्टर दिया है स्पेस मिशन। चैप्टर क्या है बच्चों? स्पेस मिशन। देखो आपने को एक सवाल पूछा इसके अंदर कि हम लोग जो स्पेस और स्काई ये दो वर्ड यूज करते हैं, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? स्काई और स्पेस, कहां तक के स्काई है कहां तक के स्पेस है, कोई बता सकता? किस चीज को लोग स्काई बोलते हैं और किस चीज को लोग स्पेस बोलते हैं? एक एक ठीक है थोड़ा बहुत और कोई एकदम आसान भाषा में बताऊं तो वो हिस्सा जहां पर लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो हिस्से को बोलते हैं स्काई, और वो हिस्सा जहां पर स्काई लाइट रिफ्रैक्ट होना बंद हो जाती है मतलब रिफ्रैक्ट, उसको बोलते हैं स्पेस। उसको क्या बोलते हैं? अगर मैं डिस्टेंस के टर्म्स में बताऊं तो अपने अर्थ के सरफेस से लेकर तकरीबन 100 किलोमीटर की हाइट तक के जो कुछ भी है वो क्या है? स्काई है, और उसके ऊपर का पूरा क्या है? स्पेस। तो स्पेस का टॉपिक वैसे भी बहुत क्यूरियोसिटी से भरा होता है, जब भी स्पेस के बारे में हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो हम लोग के मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं, और पुराने टाइम से ही लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या जिस तरीके से अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है कोई दूसरा ऐसा प्लैनेट है कि जहां पर इंसान या कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हो? इसीलिए हम लोग स्पेस मिशंस करते हैं। लोग पुराने टाइम से स्पेस को इसलिए ऑब्जर्व करते हैं, पहले के टाइम पर लोग चांद को सूरज को सितारे को देखकर वो लोग क्या करते थे? अपना डायरेक्शन तय करते। फिर हम लोगों ने क्या किए? स्पेस मिशन स्टार्ट किए। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से एक अलग स्पेस एरा स्टार्ट हुआ, मतलब लोगों ने लड़ाई की है किस चीज के लिए? स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो अभी सभी को पता है कि आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड के अंदर दो बहुत बड़े सुपर पावर थे, एक था अमेरिका और दूसरा था रशिया। इन दोनों के बीच में ना कोल्ड वॉर चला, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इनके बीच में हमेशा रेस लगी रहती। हुआ क्या कि रशिया ने एक पहला सैटेलाइट बनाया जिसका नाम था स्पुटनिक। क्या नाम था बच्चों? SPUTNIK, स्पुटनिक भी बोलते कुछ लोग, ठीक है। तो स्पुटनिक उसने बनाया और 1957 में उसको स्पेस में भेजा। इट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट व्हिच वाज मेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड सेंट इन द स्पेस। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। हम लोग पता है सैटेलाइट जिसको बोलते हैं जो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है, तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट। एक सैटेलाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बनाते हैं। तो रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने पहली बार एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाया और कहां पर भेजा? स्पेस में। जब ये बात नासा को पता चली कि भैया रशिया ने क्या कर दिया है, सैटेलाइट भेज दिया है, तो भैया नासा ने सोचा कि भैया हम लोग तो पीछे हो गए टेक्नोलॉजी के मामले, तो नासा ने भी अनाउंसमेंट किया कि भैया हम लोग भी क्या करने वाले हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले। जब इसने अनाउंसमेंट किया तो उस टाइम पर सुप्रीम पावर था अमेरिका, तो पूरी दुनिया की नजर फिर किस पर आ गई? अमेरिका। भैया अमेरिका ने बोला है कि वो क्या करने वाला है, सैटेलाइट को लॉन्च करना है।
जिस डेट पर उसने बोला था उस डेट तक के उसने सैटेलाइट बनाकर रेडी भी किया। सैटेलाइट लॉन्चिंग की डेट आई, सैटेलाइट लॉन्च होना स्टार्ट हुई, ऊपर कुछ जाने के बाद वो सैटेलाइट ब्लास्ट हो गई। अमेरिका का पहला मिशन अनसक्सेसफुल, रशिया हंस रहा था हम लोग से कॉम्पीट करेंगे। रशिया क्या कर रहा था? हंस रहा था कि हम लोग से क्या करेंगे? कॉम्पीट करेंगे। बट अमेरिका हारा नहीं, अमेरिका ने फिर अनाउंसमेंट किया नासा ने कि वी आर गोइंग टू लॉन्च अनदर सैटेलाइट। ये बात जब अमेरिका के प्रेसिडेंट को पता चली कि भैया नासा वालों ने फिर से अनाउंस कर दिए, तो प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरीट को बोला, प्रेसिडेंट के बाद जो सेकंड पर्सन आता है उसको बोला कि भैया सेंटर पे जाओ नासा के, उन लोगों को बोलो कि पहले सैटेलाइट बनाओ बाद में लॉन्चिंग की डेट अनाउंस करो। तो सेक्रेटरीट ने बोला ठीक है। सेक्रेटरीट जब आया तो वहां पर ना एक स्वीपर जो था ना वो झाड़ू मार रहा नासा के सेंटर में। तो स्वीपर जब झाड़ू मारते हुए देखा उसमें, तो स्वीपर ने सेक्रेटरीट को दूर से बोला वही रुको। कौन बोल रहा है? स्वीपर। किसको बोल रहा है? द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, प्रेसिडेंट के बाद तो वही है। उसको बोल रहा है कि भैया वही रुको। सेक्रेटरीट आया था तो उसके साथ में पुलिस ऑफिसर वगैरह भी थे, तो उसको बोलता है स्वीपर को, सेक्रेटरीट बोलता है तुमको पता है मैं कौन हूँ? बता। हाँ आप जो कोई भी हो वही रुको। सेक्रेटरीट को बड़ा गुस्सा आया तो उसने बोला कि भैया अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो मेरे को जाने नहीं दे रहे तुम? उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया। स्वीपर ने बोला कि यहाँ के जो लोग है ना वो मिलकर इंसान को चांद पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उसमें मदद कर रहा हूं। किसने बोला? स्वीपर। सेक्रेटरी ने बोला कि तुम कैसे मदद कर रहे हो? बोला कि मैं यहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन कर रहा हूं ताकि यहाँ पर काम करने वाले जो साइंटिस्ट है वो अच्छे एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो हम लोग जल्दी इंसान को कहां पर भेज पाएंगे? चांद पर भेज पाएंगे। ये बात जब सेक्रेटरीट ने सुना वो वापस उल्टे पैर चले गया, कोई कुछ नहीं मिला। और प्रेसिडेंट को जाके बोला कि हम लोग जल्दी इंसान को कहां पर भेजेंगे? चांद पर भेजेंगे। स्पेस मिशन में आगे कौन था बच्चे? रशिया। तो चांद पर पहला भेजने वाला भी कौन होना चाहिए था? बट चांद पर पहली बार गया कौन? अमेरिका। हम लोग सभी लोग ने पढ़े नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन जो स्पेस में गया था, एल्ड्रिन के साथ में दो लोग गए थे जो मून के ऊपर गए थे। स्पेस में सॉरी नहीं, मून के ऊपर पहले जाने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ये बात सही है कि स्पेस में जाने वाला पहला पर्सन कौन था? यूरी गगेरिन था, जो रशिया से बिलोंग करता था। बट मून पर जाने वाला पहला कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, जो कहां से बिलोंग करता था? अमेरिका से। ये स्टोरी है अमेरिका और रशिया में इस कोल्ड वॉर को लेकर ही स्पेस मिशन स्टार्ट हुए थे, ठीक है। बट जब स्पेस मिशन स्टार्ट हुए ना तो अमेरिका और रशिया ने और भी बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही थी? अपने आप को डेवलप करना चाहती थी। उसमें से एक कंट्री थी इंडिया। हंसी आई ना? इंडिया बहुत अच्छा काम करता है स्पेस रिसर्च के मामले में। जब मैं आप लोगों को धीरे धीरे ये टॉपिक बताऊंगा तो आप प्राउड फील करेंगे कि यस सर वी आर इंडियंस इस चीज के। ध्यान से देखो, इंडिया में एक फेमस पर्सन था जिसका नाम सभी लोग ने सुनेंगे, विक्रम साराभाई। नाम सुने? विक्रम साराभाई वॉज दी फाउंडर मेंबर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, उनको पहले से स्पेस को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी थी। जब दूसरी कंट्री के स्पेस प्रोग्राम होते थे तो विक्रम साराभाई उसमें जाते थे। वो जब इंडिया लौटे थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बोले कि हम लोग के पास भी ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, हम लोग के पास भी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि हम लोग भी स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स पे पार्टिसिपेट करें। बनाते बनाते 1962 में इनको स्पार बनाया गया। क्या बनाया गया? एक कमिटी बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई, एक कमिटी बनाई गई जहां पर हम लोग के कंट्री के अंदर सैटेलाइट बनना स्टार्ट हुई। आप लोगों ने पुरानी इमेजेस देखे होंगे अपने यहाँ पर, जब सैटेलाइट बनती थी तो साइकिल पे सैटेलाइट का पार्ट लेके जा रहे, बुलेट कार्ट पे पार्ट लेकर जा रहे। अपना जब पहला सेंटर बना था तो एक चर्च को सेंटर बनाए थे और एक टॉयलेट था उसको तोड़ के वहां पे रिसीवर बनवाए थे कि यहाँ पे रिसीव करेंगे सिग्नल। यहां से स्टार्ट हुआ था इसरो और आज देखो कितने हायर लेवल पर पहुंच गया है। तो फर्स्ट जो पर्सन जो प्रेसिडेंट बना वो कौन बना? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बहुत सारे स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। इंडिया ने 1962 में अपना पहला सैटेलाइट भी लॉन्च किया,
ज्यादा गैप नहीं है। 62 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, 57 में रशिया ने लॉन्च किया था, 62 में इंडिया ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टिंग सैटेलाइट था जो चाइना की मदद से लॉन्च किया था उसने, क्योंकि अपने पास रॉकेट नहीं था जो सैटेलाइट को लेकर जाता है, तो हम लोग सैटेलाइट बनवाते थे और दूसरी कंट्री की मदद से क्या करते थे उसको लॉन्च करवाते थे। रशिया की मदद से भी भेजे, चाइना की मदद से भी भेजे, अमेरिका की मदद से भी हम लोग सैटेलाइट भेजे। 1968 में या 69 में, डेटा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इनको स्पार को तोड़कर इसरो बनाया गया, इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स को तोड़कर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसरो बनाया गया, और उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, विक्रम साराभाई थे। 1972 में विक्रम साराभाई की डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। आपको याद होगा 1975 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जो फुली मेड था, कहां पर, इंडिया में, और उसको लॉन्च भी कहां से किया गया था, इंडिया से, आर्यभट्टा 1, 1975 में। ठीक है, इंडिया देखो स्पेस प्रोग्राम में हम लोग भी एक लीडिंग कंट्रीज में काउंट होते हैं, और कभी किसी भी कंट्री की जब स्पेस रिसर्च एक्टिविटी की बात होती है या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की बात होती है तो वहां पर स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को काउंट किया जाता है, तो इंडिया भी उसमें से एक कंट्री है भैया। आपको याद होगा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अमेरिका ने 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग को कहां पर भेज दिया था, मून के ऊपर भेज दिया था। अमेरिका ने लगभग 10 साल मून के ऊपर मिशन किया 1962 से लेकर 1972 तक के। इंडिया ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट मून के ऊपर भेजा था 2008 में, चंद्रयान 1 का भेजा 2008 में। कितने साल का गैप होता है अगर आप इमेजिन करें तो 46 ईयर्स के बाद भेजा, और इंडिया ने ऐसी डिस्कवरी किया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। चंद्रयान 1 फाउंड आइस ऑन मून, क्या पता किया उसने, मून के ऊपर आइस पता किया, किसने, इंडिया ने, इसरो ने। ठीक है, दूसरी अचीवमेंट बताता हूं, आपको याद होगा 2013 और 2014 इंडिया ने मंगलयान लॉन्च किया जो कहां पर गया, मार्स के ऊपर। इससे पहले भी कुछ कंट्रीज ने मार्स के ऊपर मिशन स्टार्ट किए थे, बट किसी भी कंट्री को फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस एक्सेप्ट इंडिया, एक्सेप्ट इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सैटेलाइट को कहां पर भेज दिया, मार्स के ऊपर भेज दिया। अब इससे भी अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं, आप लोगों ने सुनेंगे एक मूवी आई थी द मार्शियन, हॉलीवुड की एक मूवी थी द मार्शियन, उस मूवी में बताया है कि मूवी में ऐसा बताया कि नासा कुछ साइंटिस्ट लोग को कहां पर भेजता है, मार्स पे। तो वहां पर एक तूफान आता है जिसकी वजह से एक एस्ट्रोनॉट ना बिछड़ जाता है, तो बाकी लोग वापस से चले आते हैं मार्स से, बट वो मार्स पे रह जाता है, तो वो मार्स के ऊपर सरवाइव करता है। मूवी में ऐसा बताया कि वो मार्स के ऊपर आलू वगैरह ग्रो करता है, खाता है, पीता है, मूवी में ऐसा बताया है। ठीक है, फिर बाद में वो लोग वापस जाते हैं और उसको लेकर आते हैं मार्स पे से, ये मूवी में बनाया है। उस मूवी का जो बजट है ना, उससे कम बजट में इंडिया ने लिटरली मार्स के ऊपर सैटेलाइट भेज भी दिया। हाँ, उन्होंने मूवी बनाए थे नकली में कि मार्स पहुंच गए, हम लोग असली में मार्स पे पहुंच गए उससे कम पैसे में, समझा है। तो ये कुछ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भी कमाल बजट, हम लोग भी बड़ी मेहनत और मशक्कत से इस लेवल तक के पहुंचे हैं। ऐसे भी आज इसरो का नाम काउंट होता है वर्ल्ड की लीडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की और आज तक की तकरीबन 6000 से ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च हो चुकी है, 6000 से ज्यादा, जिसमें से 3400 के ऊपर सैटेलाइट आज भी वर्किंग कंडीशन में अर्थ के अराउंड में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। समझ आ रहा है कि नहीं भैया, मैंने चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, मैं सिर्फ कहानी बता रहा था, मजा आता है ना सुनने के बाद। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिटरली बड़ी वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाहता हूं कि मेरे भी बच्चे पढ़ लिख कर कोई एक आध उसमें जाए, ठीक है, फ्यूचर में इंशाल्लाह। ठीक है, टाइम हो गया क्या, अगले लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट। ठीक, याद है बच्चे, लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशन, इसके ऊपर कुछ स्टोरी वगैरह हम लोगों ने सुने थे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि स्पेस और स्काई, इन दोनों में क्या फर्क है, बताया था,
बताया था ना कि स्काई उसको बोलते हैं जहां तक कि लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग स्पेस बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरली जमीन के सरफेस से लेकर ऊपर 100 किलोमीटर की हाइट तक की जो भी चीज है वो स्काई है, उसके ऊपर का पूरा क्या होता है स्पेस। हम लोग देखते हैं कि इंसान पुराने टाइम से स्पेस को लेकर बड़ा क्यूरियस रहा है, भैया किसी भी तरीके से हम लोग को स्पेस की कुछ नॉलेज पता चले। अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशन के टाइम पर भी हमने एक स्टोरी पढ़े थे कि किस तरीके से गैलीलियो ने, किस तरीके से कॉपरनिकस ने स्पेस के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए थे। तो इंसान पहले ही टाइम से स्पेस को ऑब्जर्व करते हुए आ रहा है। वो पुराने टाइम पर स्पेस को इसलिए ऑब्जर्व करता था कि भैया मेरे को स्टार की पोजिशनिंग से मैं अपना चलना फिरना तय करूंगा। जो शिप वगैरह समंदर में चलती थी वो लोग स्टार की पोजिशनिंग से नेविगेशन करते थे, और इसी तरीके से सूरज से वो लोग अपना टाइम डिसाइड करते थे। तो पुराने टाइम से लोग स्पेस को देखते रहे हैं, मॉनसून का प्रेडिक्शन करते थे, ये सारी चीजें होती थी। बहरहाल वर्ल्ड वॉर टू के बाद से अमेरिका और रशिया के बीच में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब से स्पेस प्रोग्राम और हाइप पर आ गए। मैंने आपको बताया था कि 1957 में रशिया ने पहला सैटेलाइट स्पटनिक, स्पुटनिक दोनों बोल सकते हैं, स्पटनिक 1 क्या किया उसने लॉन्च किया। और उन्होंने ये भी देखे थे कि भैया जब उसने लॉन्च किया सैटेलाइट तो वो चीज अमेरिका के लिए बड़ी मतलब खतरनाक थी, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि सुप्रीम पावर जो है वो सारी चीजों में आगे रहे। तो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में भी आगे किसको रहना चाहिए था? अमेरिका को। मगर ऐसा हुआ नहीं, रशिया लीड कर गया था इस मामले में। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम इसके बैकग्राउंड में स्टोरी बताया था कि किस तरीके से एक स्वीपर ने बोला था कि भैया मैं इंसान को चांद पे जाने की क्या कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कैनेडी थे, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो उसने बोला कि भैया मैं जो हूँ वो इंसान को कहाँ पे भेजने की मदद कर रहा हूँ, चांद पे भेजने की मदद कर रहा हूँ। ये बात भी ट्रू है। हमने पढ़े थे कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिका ने कहाँ भेज दिया, चांद के ऊपर भी भेज दिया। ये बात सही कि स्पेस में जाने वाला पहला पर्सन नील आर्मस्ट्रांग नहीं है, यूरी गगारिन है, बट मून पर जाने वाला पहला पर्सन कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्पेस मिशन स्टार्ट हुए थे बच्चे लोग तो वो दो लेवल पर स्टार्ट हुए। पहला लेवल था कि हम लोग सैटेलाइट को अर्थ के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में लेकर जाकर प्लेस करते, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट अर्थ के किसी ऑर्बिट में क्या करे, रोटेट करे और अर्थ को ऑब्जर्व करें। ये पहला पर्पस था। दूसरा पर्पस था कि भैया अब हम लोग सैटेलाइट को दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पास भेजे, मार्स पे, मून पे, ताकि हम लोग उनको भी क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। तो दो लेवल पर मिशंस क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे। अब देखो सैटेलाइट्स होती है ना ये बड़ी यूजफुल होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, पढ़े थे सैटेलाइट की मदद से करते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं, हम लोग लाइव ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं, है ना। आप इंटरनेट यूज करते हो आज के टाइम पर, आप देखें हम लोग विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एरियल सर्विलेंस रखते हैं, अपनी कंट्री के बॉर्डर के ऊपर हम लोग नजर रखते हैं। आपको याद हो, अगर आपने नोटिस किए होंगे तो अभी रिसेंट में एक मूवी आई थी वॉर, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सामने वाले दुश्मन रहते हैं वो लोग अपनी सैटेलाइट्स की कोडिंग को चुराते हैं, जिससे उसकी पोजीशनिंग को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सैटेलाइट अपनी कंट्री को फिर देख नहीं पाएगा और फिर वो लोग कोई भी अपनी कंट्री में क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो हम लोग सैटेलाइट की मदद से बच्चे लोग एरियल सर्विलेंस भी करते हैं अपनी कंट्री को, हम लोग उसी से क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया कोई एंटर ना करे। आपको याद होगा अभी रिसेंट में फिर से इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर फिर से प्रॉब्लम अराइज हो गया। हम लोगों ने पास्ट में कुछ इमेजेस देखे थे, अगर आप लोगों ने न्यूज वगैरह देखे होंगे तो उसमें बताता है कि भैया इंडिया के कुछ हिस्से में चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, गांव बना रहा है, उसकी सैटेलाइट की इमेजेस हम लोग को दिखाई गई थी, अगर आपने देखे होंगे न्यूज वगैरह। तो ये सारी इमेजेस कहाँ से मिलती है, सैटेलाइट की मदद से मिल रही है। आप सोचे ना कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी बॉर्डर को देख पा रहे हो, कोई दूसरा बिना पूछे आपकी आपकी कंट्री में एंटर, अगर सैटेलाइट ना हो तो कोई भी आएगा जाएगा, इतना बड़ा बॉर्डर होता है कोई भी आ जा सकता है, ठीक नहीं भैया। तो हम लोग सैटेलाइट की वजह से ये सारे पर्पस यूज कर रहे हैं। और आप सोचे हम लोग जीपीएस यूज करते हैं आज के टाइम पर, जीपीएस भी किसकी मदद से चल रहा है, सैटेलाइट की मदद से। हम लोग स्टडी करते हैं कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज रिजर्व है, हम लोग देखते हैं कि साइक्लोन कहाँ आने वाला है, ये सारा डेटा किसकी मदद से मिल रहा है,
सैटेलाइट की मदद से मिला। और पहली सैटेलाइट कब लॉन्च की गई थी? 1957 में रशिया ने लॉन्च किया। उसके बाद मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च हुए। इंडिया ने 300 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया आज तक के। अकेले में किसकी बात करो? इंडिया की। मैंने बताया था 6000 के ऊपर सैटेलाइट जो है वो स्पेस में लॉन्च हो चुकी है, और तकरीबन 3400 से ज्यादा सैटेलाइट, ये डेटा बुक में नहीं है, ये मैं रफ नंबर बता रहा हूँ, इसी के आसपास डेटा है, एक्यूरेसी नहीं हो सकती उसमें, थोड़ा माइनर चेंजेस होगा। 3400 से ज्यादा सैटेलाइट जो है बच्चे लोग वो स्पेस में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। बाकी टूट फूट गए, खराब हो गए, बट स्टिल आप सोचे तकरीबन 3500 के आसपास सैटेलाइट अपने स्पेस में क्या कर रही है? आज भी रिवॉल्व कर रही है। तो अपने बुक में ना कुछ सैटेलाइट के बारे में बताया, आपको ना एक टेबल दिया हुआ है, अगर आप जाकर देखें, इनसेट जीसेट IRNSS IRS, देखा इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जीसेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, मिला टेबल इधर, यहां पर देखो येलो कलर का एक टेबल है ना छोटा सा, यहां पर भी एक टेबल है, इसको भी पढ़ना है। तो यहां पर देखो पहले सैटेलाइट का नाम, उसका एब्रीविएशन पूरा आप देखो दिया हुआ है, इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जीसेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, फिर क्या है? PSLV है, GSLV। PSLV और GSLV बच्चे लोग लॉन्चर है। क्या है ये? ये सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम है। आपकी सैटेलाइट को स्पेस में लेके जाना है ना, तो स्पेस में लेके जाने का काम किसका है? लॉन्चर का, PSLV और GSLV। अब अगर आप पीछे ये टेबल ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है कि कौन सा सैटेलाइट कौन से पर्पस के लिए यूज हो जा रहा है। तो देखो, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो, मतलब लाइव टीवी HS हम लोग जो देखते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की सैटेलाइट हो, इन तीनों ही सैटेलाइट को हम लोग यूज करते हैं इनसेट या जीसेट से। अभी जो हम लोग पीछे पढ़े ना, इनसेट या फिर जीसेट, और इनका लॉन्चर कौन होता है बच्चे लोग? GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। फिर है नेविगेशन सैटेलाइट, GPS पर्पस के लिए हम लोग जो सैटेलाइट यूज करते हैं उसमें IRNSS आता है। लॉन्चर कौन है उसका? ASLV, मिलिट्री पर्पस के लिए, उसके बारे में अपने को डेटा नहीं दिया हुआ है। और लास्ट वन है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट, कि कहां फॉरेस्ट है, कहां पर पानी है, कहां पर रिजर्व मटेरियल है, नेचुरल रिसोर्सेज का, ये सब उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? IRNSS का। उसके लिए भी लॉन्चर कौन है? DSLV। उसके लिए भी लॉन्चर कौन है? अब इस बात को आपको समझना है बच्चों कि जब आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हो ना, तो जब सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से लॉन्च करना होता है कि भैया वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाए और उसके अराउंड में क्या करे? रिवॉर्ड करे। बच्चे सवाल पूछते कि सर रिवॉर्ड करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, कहां से आती है? तो आप सभी को पता है हम लोग सैटेलाइट में सोलर पैनल्स लगाते हैं, ठीक है, बट इस बात को भी आप समझो कि भैया आपको कितनी हाइट पर उस सैटेलाइट को लेकर जाना है, उस हिसाब से आपको उतनी वेलोसिटी से उसको क्या करना पड़ेगा? लॉन्च करना पड़ेगा। वो वेलोसिटी जिससे आप किसी सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करो, और वो अर्थ की ग्रेविटेशनल वो अर्थ के किसी ऑर्बिट में जाकर क्या करे? रोटेट करना स्टार्ट करे, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या आपने बचा लो? इससे पहले अगर आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे एस्केप वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करो तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाएगा, अंडर रूट 2gr। वैल्यू भी पढ़े थे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अरे याद आ रही, पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर। तो बात चल रही क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग VC से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जैसे मान लो कि भैया ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का रेडियस r है, एक सैटेलाइट है जिसको आपको अर्थ के सरफेस से h हाइट पर क्या करना है? रोटेट करना है। हम लोग पढ़े थे कि यहां से लेके यहां तक के पूरे को क्या होता है? स्मॉल r, याद है ना? स्मॉल r क्या होता था? कैपिटल r प्लस h। नाउ वी नो दैट इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो बैलेंस आउट करके अपना ऑब्जेक्ट, क्या क्लास में घुमाया था मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, ये दोनों ही क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाते हैं सर्कल में। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे हाँ, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है? mv स्क्वायर बाय r।
ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जी एम एम अपॉन आर, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ। तो भैया यहां पर मैं सफिक्स में सी लिख देता हूं क्योंकि मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए, एक स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर है, जी एम अपॉन स्मॉल आर, एंड व्हाट इज स्मॉल आर, आर प्लस एच, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, जी एम अपॉन आर प्लस टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चे लोग, इसमें जी कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, बदलने वाली चीज कौन सी है, ये एम किसका है, मास ऑफ अर्थ, तो बदलने वाली चीज कौन सी है, हाइट, बाकी सब तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। इससे एक बात और समझ में आनी चाहिए कि क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास से क्रिटिकल वेलोसिटी को कोई लेना देना, क्रिटिकल वेलोसिटी को लेना देना है हाइट से, आपको कितनी हाइट पर फेंकना है आप वो बताए, उस हिसाब से क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, डिसाइड होगी, हाइट ज्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी कम, हाइट कम क्रिटिकल वेलोसिटी, अरे समझा कि नहीं, पक्का क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट, क्लियर है, अच्छा, नॉट डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, कि आप कितनी हाइट पर सैटेलाइट को रखते हो, अपने पास अलग अलग सैटेलाइट्स, अलग अलग ऑर्बिट्स की क्या है, सैटेलाइट, वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करता हूं, सबसे पहला है बच्चों हियोस, शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में बोलते हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, क्या बोलते इसको, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये वो सैटेलाइट है जिसको आप अर्थ के सरफेस से अगर लॉन्च करोगे कितनी हाइट पर, 35,780 किलोमीटर या उससे ऊपर, हाइट कितनी होगी, 35,780 किलोमीटर या उससे ज्यादा हाइट पर अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो उस सैटेलाइट को आप क्या बोलते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है ना वो 24 आवर्स का होता है, मतलब ये लोग अर्थ का एक चक्कर कितने घंटे में लगाते हैं, 24 घंटे में, नाउ वी नो दैट अर्थ को खुद का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, आप समझ रहे ना, मतलब ये सैटेलाइट और मैं अर्थ दोनों साथ में घूम रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूसली अर्थ की एक ही जगह को देखते रहेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, क्या बोलते हैं इसको, मतलब अर्थ के हिसाब से ये सेम हो गई, मैच हो गई, मैच हो गई मतलब सिंक्रोनाइज हो गई, क्या हो गई वो, सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं, सिंक्रोनस मतलब सेम, तो अर्थ का टाइम पीरियड और इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट होती है बच्चों, वेदर फोरकास्टिंग की जो सैटेलाइट होती है, कम्युनिकेशन की जो सैटेलाइट होती है, वो हम लोग कहां पर रखते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। दूसरा लियोस, सॉरी मियोस, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। पानी है क्या किसी के पास, yes. ठीक है, याद देखो बच्चे, मियोस मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये वो सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर से लेकर 35,780 किलोमीटर के बीच में होती है। इनका जो टाइम पीरियड होगा बच्चे लोग, 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में होता है, मतलब अगर 2000 किलोमीटर पे होगा तो कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा, 35,780 पे होगा तो कितना लगेगा, जो जीपीएस वगैरह की जो सैटेलाइट होती है वो हम लोग कितने कहां पर प्लेस करते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पे प्लेस करते हैं। एंड द लास्ट वन लियोस, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है बच्चे लोग, ये अर्थ के सरफेस से 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। इसको लगभग अर्थ का एक चक्कर लगाने में 90 मिनट्स लगता है, कितना, अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पर हबल टेलीस्कोप प्लेस किया गया था, 9th में पढ़े थे ना, पहला जो हम लोग ने टेलीस्कोप स्पेस में रखे थे वो कौन सा था,
हबल टेलीस्कोप का, हम लोग पढ़े थे कि भैया अर्थ के अंदर से टेलीस्कोप से देखने से प्रॉब्लम कलर डिफेक्ट आता है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से क्लियर इमेजेस फॉर्म नहीं होती है। तो ये हम लोग ने बोले भैया एक काम करते हैं, टेलीस्कोप को कहां बाहर रख देते, एटमॉस्फेयर के बाहर ही रख देते, प्रॉब्लम ही दूर। तो उन्होंने एक टेलीस्कोप को कहां रख दिए थे, स्पेस में, हबल टेलीस्कोप। और उसके बाद अभी रिसेंट में आपको याद होगा लास्ट ईयर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया है। यू सुनते हो कि नहीं तुम लोग? अरे बेशरम हो क्या? नहीं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए ना, न्यूज पढ़ते ही नहीं हो खाली। अभी बोलूंगा रील्स देख, हाँ सर रील्स तो रोज देखते हैं, झूठे लोग नहीं देखते, सब पता नहीं। तो सीरियल देखे आई ना बात, सीरियल देखते सर। तो हाँ हाँ चलो इधर देखो गरीब लोग। तो मैं ये बोल रहा था कि रिसेंट में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जिसकी खास बात ये है जो आपको पास्ट दिखा सकता है। हाँ मैंने आपको बताया था ये चीज पहले भी एक्सप्लेन किया था, पास्ट दिखाने का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि भैया जो सन है वो अर्थ से कितनी दूरी पर है, जब लाइट सन से निकलती है तो उसको 8 मिनट लगता है अर्थ के ऊपर आने के लिए। मतलब आपको जो सन दिखता है वो 8 मिनट पुराना दिखता है। तो बेसिकली आप भी क्या देख रहे हो, पास। वो स्पेस टेलीस्कोप जो है ना वो अपने को 15 लाइट ईयर्स दिखा सकता है। तो अगर मान लो कोई लाइट निकली है 15 लाइट ईयर्स पहले, वो आज ट्रेवल करके आएगी, वो स्पेस वो टेलीस्कोप उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा उसकी इमेज क्या करेगा। बट वो लाइट निकली कब थी, 15 लाइट ईयर्स पहले ना। मतलब आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो कितने साल पहले, 15 लाइट ईयर। मतलब आप जो शायद दिख रहा है वो अब है भी नहीं। मैंने बताया था ना स्टार्स के बारे में आपको, कि जो स्टार आपको शायद दिख रहा है वो स्टार एक्चुअल में अब हो भी ना। देखो स्टार्स हम लोग से लाइट ईयर्स में दूर है। अगर मान लो कोई स्टार 3 लाइट ईयर दूर था, अब लाइट उसकी ट्रेवल करके आपकी आंख में एंटर करी तो स्टार आज आपको दिख रहा है। बट ये बात आपको पता है कि वो 3 लाइट ईयर पहले था, लाइट तो निकल गई ना। हो सकता है वो स्टार खत्म भी हो गया हो, डेथ भी हो गई होगी उसकी, बट क्योंकि लाइट तो निकल गई थी तो वो तो आपको दिखेगा। अरे समझा कि इसी को बोलते पास को देखना। तो ऐसा मतलब मत सोचो कि हम लोग पीछे पास में जाके देखे, अरे दादा इसे देखते थे, तो ऐसा नहीं है। लियोस क्लियर? अरे आया ना भाई, लियोस क्लियर? अब एक बात सुनो, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पुणे, वहां के बच्चे लोग ने एक सैटेलाइट बनाए थे जिसका नाम था स्वयाम। 2016 में उन्होंने बनाए थे, जिसका वजन था 1 किलो। उन्होंने उस इसरो को वो सैटेलाइट दिए, इसरो ने उसको लॉन्च भी किया 516 या 17 किलोमीटर की हाइट पर, जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है। किसके लिए? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए उस सैटेलाइट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका फायदा क्या है, बहुत बार ऐसा होता है बच्चे लोग जब लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं कि जब कोई अपना वॉर होने वाली है या वॉर होती रहती है, तो बहुत बार हाई कमांड से ऑर्डर आता है ना कि अगला मूवी ये लेना, अगला मूवी ये लेना। तो सामने अपोनेंट वाले बैठ के फ्रीक्वेंसी मैच करके सुनते कि ये लोग क्या ऑर्डर मिला है, मूवीज में सब लोग देखते हैं। तो भैया ऐसे सिस्टम में मेरा कोई सिग्नल कैच ना करे, ऐसी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यहाँ से सीधा सैटेलाइट, सैटेलाइट से सीधा इधर, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर, तीसरा कोई बंदा उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? तो ये फायदा है ना, आप समझे ना कितनी बड़ी चीज है, किसी भी कंट्री के लिए ये बड़ी बेनिफिशियल चीज है। बहरहाल अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, मगर आप सोचे ना कि कितनी काम की चीज है। एक नॉर्मल इंसान की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होती है ना, आप व्हाट्सएप में जब डेटा शेयर करते हो कोई भी डेटा, तो उस पर देखो लिखकर आता है एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, आपका जो डेटा है उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जिसके पास भेजना है जब वो उसके पास पहुंचता है तो वहां पर जाकर डिक्रिप्ट हो जाता है। मतलब उसके पास जाने के बाद आपने जो भेजे तो वो पहुंचता है, बीच में कोई और फॉर्म हो जाता है। बट अगर मैं चाहूं तो मैं उसको पढ़ सकता हूं। हाँ आप लोग, अगर मैं कंपनी ओनर हूं, व्हाट्सएप में चला रहा हूं, तो मैं चाहूं तो मैं आपका डेटा क्या कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं। इसीलिए अभी बीच में बवाल भी हुआ था प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप पे। आप देखेंगे
वो न्यूज चैनल वाले जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो उसके व्हाट्सएप की जो स्क्रीनशॉट थे ना वो लेके लाइव न्यूज पे चला रहे थे। अब आप सोचो कि भैया पहली चीज ऐसे तो किसी का भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, ऐसे न्यूज वाले खुला दिखा रहे हैं। ठीक है भैया आप केस सॉल्व कर रहे हैं, आप कौन है, आप सीबीआई है, आपका काम होता है न्यूज को दिखाना। तो आजकल तो बहरहाल कुछ भी करते रहते हैं। समझाने का मतलब ये है कि मैं ये बोल रहा था कि भैया आपका जो डेटा आपको लगता है वो एक्चुअली में सिक्योर्ड नहीं है, वो एक्चुअली में सिक्योर्ड नहीं है। तो वहां पर एक वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है वो बेनिफिशियल है अपने लिए कि भैया मेरा कोई सामने वाला डेटा इंफॉर्मेशन ले नहीं सकता। समझ में आया? अरे हाँ यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बेटा ऐसा बोला जाता है कि कंपनी वाले हम लोग का डेटा चुराते नहीं है, ये फलाना ढिंका, बट वो लोग चुरा सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अब तो वो लोग मतलब इसीलिए ना बीच में उसने बोला था प्राइवेसी को लेकर, शायद यही मसला हुआ था कि बीच में उसने बोला था कि भैया मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकता, तो लोगों ने बोला ऐसे कैसे आप मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो उसमें बोला था। बहरहाल कोई भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो वो सब पर जो भी आप डेटा शेयर करते हैं वो चाहे तो जिनका भी वो ऐप है वो उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसा। ठीक है बैक टू द टॉपिक। आप सोचे कि पुराने टाइम पर आप लोग को पता होगा जब पुराना नए नए फोन जब आने स्टार्ट हुए थे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जब बनना स्टार्ट हुई थी, तो पहले कैसा होता था, आपको कहीं दूर कॉल लगाना है ना तो इंटरमीडिएट कॉल लगते थे, मतलब कॉल करते थे कहां पर सेंटर पे कि भैया मेरे को फलाने से बात करनी है, तो बोलते थे ठीक है लाइन पे लगे रहिए अभी बात करवा दें, तो फिर ये कनेक्ट करता था उसको बंदे को, फिर ये दोनों को ज्वाइन करवाना था। अब ये लोग बात कर रहे हैं और बीच में जो बंदा वो बैठ के सुन रहा है कि लोग की क्या बात चल रही है, सच्ची हस्बैंड वाइफ की बात सुन रहे हैं। तो ये बात चलते रहती सुनते थे, बट नाउ डेज अब हम लोग अपने मोबाइल से आईएसडी कॉल कर लेते हैं, आप यहाँ से बैठ के अमेरिका बात कर सकते हो, मगर प्राइवेसी के टर्म्स में आज भी आपका डेटा चोरी हो सकता है। ठीक है बैक टू द टॉपिक। तो मैं ये बता रहा था कि तीन टाइप की सैटेलाइट है, हाई मीडियम एंड लो। देखो ये जो हाई मीडियम और लो है ना ये तीनों को ही आप इक्वेटर के अराउंड में रिवॉल्व करवा सकते हैं, और मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को हम लोग पोल रीजन में भी क्या कर सकते हैं, मतलब इक्वेटर पे तो वो घूमेगा, पोलार रीजन में भी क्या कर सकता है वो रिवॉल्व कर सकता है। अरे समझ में आया कि आपके बुक में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है और आप लोग देखे हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट, और मीडियम अर्थ ऑर्बिट इस प्लेन में भी क्या कर सकता है, घूम सकता है पोलार रीजन में। क्लियर है यहां तक के बच्चा लोग? कोई दिक्कत इसको लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, देखो सैटेलाइट मैंने अभी आपको बताया कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती, बट जो लॉन्चर है जो सैटेलाइट को लेकर जा रहा है स्पेस में वो बेचारे पे डिसाइड करेगा ना कि उसको कितना मास ऑफ सैटेलाइट लेके जाने, आप समझ रहे ना? ठीक है क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट, बट जो लॉन्चर जो सैटेलाइट को लेकर स्पेस में जाएगा उसके लिए तो पता होना चाहिए ना कि भैया उसको कितना मास लेके जाने का, समझ रहे ना? पता चला आप तो बोले सर मेरा 2,000 किलो का लॉन्चर है, 4,000 किलो की सैटेलाइट लेके जाने का पॉसिबल है? नहीं ना। तो बोलने का मकसद ये है कि लॉन्चर जो है ना जो सैटेलाइट को लेके जाने वाला है उसके लिए मास ऑफ सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को और समझते हैं अच्छे से कि जो सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले व्हीकल्स होते हैं जिसको आम भाषा में रॉकेट्स बोलते हैं, ये जो रॉकेट्स होते हैं ना वो मल्टी स्टेज बनाए जाते हैं, सिंगल स्टेज रॉकेट नहीं बनाए जाते। क्यों? देखो आपको सैटेलाइट अभी एग्जाम्पल अपने पढ़े 35,780 किलोमीटर ऊपर लेके जाने का है, इतनी हाइट पर अगर आपको सैटेलाइट को लेकर जाना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें अच्छा खासा फ्यूल लगेगा, और मतलब बेसिकली जो रॉकेट होता है उसमें क्या भरा होता है, फ्यूल ही तो भरा होता है ना उतने हाइट तक के उसको लेके जाने का है, तो मास किसका है, फ्यूल का और उसके टैंक का जिसमें फ्यूल भरा हुआ है। आप सोचो ना अगर एक ही सिंगल टैंक होता तो वो पूरा टैंक फ्यूल से भरा हो या इतना सा हो, उसके पूरे मास को टैंक को लेके चलना पड़ेगा कि नहीं?
इसीलिए हम बनाते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट। क्या होता है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, एक नीचे वाले स्टेज का फ्यूल बर्न हुआ तो वो स्टेज टूट के क्या जाता है, गिर जाता है। फिर टॉम एंड जेरी देखिए, उसको दिखाते हैं सैटेलाइट ऊपर जा रहा है, एक हिस्सा घूम गया, फिर दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। मल्टी स्टेज इसीलिए बनता है कि जैसे जैसे टैंक में से फ्यूल खत्म हो जाएगा, टैंक को क्या करते जाओ, हटाते जाओ, जिससे मास क्या हो जाएगा, मास कम तो फ्यूल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे हाँ है ना, मतलब कम फ्यूल में आप ज्यादा डिस्टेंस क्या कर पाओगे, ट्रेवल कर पाओगे। दैट्स व्हाई जो रॉकेट्स होते हैं वो मल्टी स्टेज रॉकेट बनाए जाते हैं। सिंगल स्टेज रॉकेट, बच्चे इस पे सवाल पूछते हैं कि सर वो रॉकेट का जो पार्ट टूट रहा है, गिर रहा है, वो मेरे ऊपर आके गिर गया तो भैया उसको गाइड करते, उसको ऐसी जगह गिराते जहाँ ह्यूमन बींग ना रहते हो या पानी वगैरह में गिरा देते, इससे इंसानों को कोई इम्पैक्ट ना। सैटेलाइट जो होता है, चलो वो चलता है न्यूटन के थर्ड लॉ पर, नहीं मिला क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है याद है। तो बात चल रही थी कि सैटेलाइट जो है उसके जो लॉन्चर होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, वो मल्टी स्टेज रॉकेट बनाए जाते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़े कि मल्टी स्टेज से फायदा क्या है। मैं ये बोल रहा था कि वो जो सैटेलाइट है, जो रॉकेट्स है गर्ल्स, वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जमीन पे जब वो फ्यूल बर्न होता है तो जमीन के ऊपर हाई प्रेशर क्या करता है, अप्लाई करता है, बदले में जमीन भी उसको क्या करती है, थ्रस्ट देती है, जिसकी वजह से वो कहां लॉन्च होता है, ऊपर की तरफ। एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी प्रिंसिपल पर वो चलता है। अभी हम लोग उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करेंगे। और अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम है, जो रॉकेट सैटेलाइट को लेके जा रहा है वो तो धीरे धीरे टूट टूट के गिर गया ना। मतलब अगर मुझे दूसरा सैटेलाइट भेजना है तो दूसरा नया रॉकेट बनाना पड़ेगा हर बार। नासा वालों ने क्या किया, एक नया स्पेस शटल बनाया जो सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में रखने के बाद वापस अर्थ पर आएगा, वापस आएगा ताकि दूसरा सैटेलाइट लेके जा सके। भैया अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है, अच्छा खासा मतलब करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने में। तो अगर मैं सैटेलाइट के लॉन्चर का पैसा बचा लूं तो कितने काम की चीज है। नासा ने स्पेस शटल भी बनाया जो सैटेलाइट उसकी ऑर्बिट में फिक्स करने के बाद कहां चले आएगा, पांच मिनट। आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब नॉर्मल बेसिक सा एग्जांपल है, डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। अभी जरूरत है तेरी आइसक्रीम को पोज करने के लिए, थोड़ी ब्लॉक ये पकड़ लिया, पेन पकड़ इधर देखो, गरीब लोग हैं तो भैया ये है अपना रॉकेट। और ये है अपना सैटेलाइट जिसको हमने आगे पहुंचाने के, ठीक है। मैं बस फ्यूल लिए, मैं एयर फिल कर रहा हूँ उसके अंदर, मेरी एयर क्या है यहाँ पर, फ्यूल का काम करेगी। देखो जरा छोड़ेंगे, इधर देखो स्ट्रेट रेडी, ये अपना फ्यूल है, ठीक है। मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर ना स्ट्रॉ से इसको चिपका के रखा, ये जो बलून है उसको स्ट्रॉ से क्या करते, स्टिक करते। भैया मान लेते कि ये अपना रॉकेट है और ये अपना सैटेलाइट है जिसको अपने को वहां आगे लेके जाना है। अब जब मैं इस एयर को छोड़ूंगा बलून के इस एंड को, तो एयर बाहर आएगी, तो ये एक्शन है, रिएक्शन का है आगे, लेट्स सी स्ट्रेट अंदर उठा गया, एक्शन बस। इसी तरीके से कौन चलता है बच्चों, रॉकेट चलता है। अरे समझा कि नहीं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्लियर, ठीक है। यहां सुनो, ये बात हो गई कब की, पहले वाले केस की, जहां पर हम लोगों ने सैटेलाइट को लॉन्च किए थे किस मिशन के लिए, कि वो अर्थ के किसी ऑर्बिट में प्लेस हो और अर्थ को ऑब्जर्व किया जाए। तो जाहिर सी बात है वहां पर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो कौन सी चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी। बट अगर मुझे दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखना है, दूसरी चीजों को देखना है अर्थ के अलावा, तो फिर मुझे उसको अर्थ के बाहर, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर देखना पड़ेगा।
तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी? अब अगर आपको याद हो एस्केप वेलोसिटी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, ये वो वेलोसिटी है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करो तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है। अंडर रूट 2gm / r+h या अंडर रूट 2gr, अंडर रूट 2gm / r या फिर 2gr था, है ना? ये वो वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल के रखे थे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। याद आया कि नहीं? ये अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी। ये किसके लिए बच्चे लोग? तो अगर आपको किस जैसे आपको मून को ऑब्जर्व करना है तो भैया आपको मून पर सैटेलाइट भेजना पड़ेगा, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना पड़ेगा, तो आप उसको एस्केप वेलोसिटी से भेजेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी से नहीं। तो देखो अर्थ के बाहर जो सबसे करीबी ऑब्जेक्ट है वो कौन है? मून। तो मिशन टू मून स्टार्ट हुआ। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टोरी बताया था ना अमेरिकन प्रेसिडेंट वाली, वो 1962 में नासा के सेंटर में गए थे मना करने के लिए, बट वापस चले आए। 1962 से लेकर 1972 तक के बच्चे लोग अमेरिका ने लगातार कंटिन्यू 10 साल तक के मून के ऊपर मिशन किए, जिसमें से कुछ मैन मिशन भी थे, मतलब जिसमें इंसान भी कहां पर गए, चांद पर गए, वहां से सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करके लेकर आए। समझ आया? अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, जापान है, ये वो कंट्रीज थी जिन्होंने मून के ऊपर मिशन किए। 2008 में इंडिया ने मून के ऊपर मिशन किए। सुनेंगे आप लोग ने, इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया था, याद है? चंद्रयान 1 2008 में इंडिया ने लॉन्च किया, और आपको याद होगा उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किया। लास्ट ईयर जो पुराना सिलेबस था ना उसमें केमिस्ट्री की बुक पे फ्रंट पेज की बुक पे एक कोट लिखा था, मतलब एक लाइन लिखी थी, चंद्रयान 1 फाउंड आइस ऑन मून। उसने क्या पता किया था? 2008 में। अब आप अगर इमेजिन करो, दो पहला मिशन कब हुआ था? 1962 में। इंडिया ने कब डिस्कवर किया? इसरो ने 2008 में। अगर आप काउंटिंग करें तो लगभग 46 इयर्स के बाद इंडिया ने क्या डिस्कवरी किया था? आइस ऑन मून। इससे पहले किसी ने बात को डिस्कवर नहीं किया। मैंने इसके पीछे भी आपको स्टोरी बताया था, नील आर्मस्ट्रांग वगैरह जब पहली बार मून के ऊपर पहुंचे थे तो वो लोग बेचारे फंस गए थे, उनका सर्किट टूट गया था जो वापस से उसको स्टार्ट करता है रॉकेट, बट समहाउ उन्होंने दिमाग लगाया और फिर उसको कनेक्ट किया और वापस से कहां पर आए? अर्थ के ऊपर आए। 1962 से 72 तक के मिशन चले, बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने सैटेलाइट्स को मून के ऊपर भेजा, जहां से मून के मट्टी के सैंपल्स लिए गए और मून के बारे में उन्होंने क्या किए? स्टडी की। मून के बाद जो सेकंड नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है वो है मार्स। आपको पता है मार्स के ऊपर भी मिशन स्टार्ट हुआ। नासा ने जब अपना पहला स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऊपर भेजा था बच्चों, तो वो अनसक्सेसफुल रहा था। आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सैटेलाइट को कहां पर भेज दिया? मार्स पर भेज दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में। इससे भी बड़ी बात पता है, आप लोगों को याद होगा एक मूवी आई थी द मार्शियन, हॉलीवुड मूवी थी, जहां पर उन्होंने बताया है कि मूवी में ऐसा बनाया है कि कुछ लोग मार्स के ऊपर जाते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट्स, जिसमें से ना तूफान आता और एक एस्ट्रोनॉट मार्स पे रह जाता है। उन लोगों को लगता है कि वो मर गया, तो बाकी लोग चले आते हैं, बाद में पता चलता है कि वो जिंदा है, तो वो मार्स पर ना सरवाइव करता है, आलू वगैरह ग्रो करता है। अच्छी मूवी बनाया उन्होंने, मगर बताने का मकसद ये कि उस मूवी को बनाने का जो बजट है ना उससे कम बजट में इसरो ने सीरियसली मार्स के ऊपर सैटेलाइट भेज भी दिया। वो लोग ने मूवी बनाए थे, इसरो ने उतने में सैटेलाइट भेज भी दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ रहा है? तो भैया यू ही हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस नहीं, और बड़ी बड़ी मेहनत और मशक्कत से हम लोग यहां तक पहुंचे। मैंने आपको बताया था कि द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंकोस्पार, बताया ना ये? नहीं? अच्छा थोड़ा सा इसरो के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते, बुक में दिया है, वैसे बुक में कम दिया, मैं थोड़ा सा ज्यादा इलाबोरेट कर देता हूँ। विक्रम साराभाई, नाम सुनेंगे सभी लोग, डॉक्टर विक्रम साराभाई बच्चे लोग अपने टाइम के बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। तो स्पेस मिशन जब स्टार्ट हुए ना तो वो उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर भी स्पेस रिसर्च प्रोग्राम क्या हो, स्टार्ट हो। तो समहाउ 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने मना लिए, अगर मैं करेक्ट हूँ, उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उनको बनाए कि भैया इंडिया के अंदर भी ऐसी कोई कमिटी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो स्पेस प्रोग्राम्स को क्या करे, इनिशिएट करे।
अंडर द गाइडेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इंडिया का पहला स्पेस कमिटी बनाया गया जिसको बोलते थे इंकोस्पार। पहले इसरो नहीं था, क्या था वो? इंकोस्पार, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स। ये बनाया गया 1962 में। उसके बाद इंडिया ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया 1962 में, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टिंग सैटेलाइट लॉन्च था अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स लॉन्च हुए। 1969 में या 68 में इंकोस्पार को डिसॉल्व करके इसरो बनाया गया। क्या बनाया गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट बनाया, बट इंडिया के पास क्योंकि लॉन्चर्स नहीं थे तो हम लोग रशिया की मदद से, चाइना की मदद से, अमेरिका की मदद से अपने सैटेलाइट्स को क्या करते थे? लॉन्च करते थे। 1969 या 68 एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है मुझे, इंकोस्पार को रिजॉल्व करके इसरो बनाया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इसरो इज विक्रम साराभाई। 1975 ध्यान से सुनना, इंडिया ने अपना खुद का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जो इंडिया में बनाया गया था, और लॉन्च भी कहां से कर रहे थे उसको? इंडिया से। आर्यभट्ट नाम सुनेंगे 1975 में, बट एट दैट टाइम विक्रम साराभाई थे नहीं दुनिया में। 1972 में उनकी हार्ट अटैक से क्या हुई थी? डेथ हुई। तो 1972 के बाद जो सेकंड प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो कौन था? सतीश धवन। नाम सुनेंगे इनका भी, बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बड़े अच्छे मैथमेटिशियन है। तो इनको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड प्रेसिडेंट बनाया गया। 1975 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट जो खुद इंडिया में बनाया गया, मेड इन इंडिया, और उसको लॉन्च भी किसने किया? इंडिया ने 75 में क्या किया? लॉन्च किया। अब इसके पीछे की स्टोरी देखो, नाम तो मैंने अभी से दो ही लिया, विक्रम साराभाई और सेकेंड नाम क्या था? सतीश। इसके अलावा आप देखें राकेश शर्मा, कल्पना चावला, ये लोग भी कुछ नाम है इंडियन हिस्ट्री में, ये लोग ने भी बड़े फेमस काम किए। अब जब इनका नाम आता तो एक पर्सन उनका नाम लेना जरूरी है, मेरे फेवरेट साइंटिस्ट भी है वो, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इनके बारे में एक स्टोरी है बड़ी फेमस है, आप उसको खुद कभी जाकर सुन सकते हो। 1978 में इंडिया एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था, अगर मैं करेक्ट हूं, उसका नाम था रोहिणी। सैटेलाइट का नाम क्या था? जब काउंटडाउन स्टार्ट होता है ना तो दो तीन पहुंचते पहुंचते कंप्यूटर ने इंडिकेटर दिया कि भैया ओवर हीटिंग की वजह से सैटेलाइट जल सकता है, कुछ प्रॉब्लम है। ये सिग्नल मिला, प्रोजेक्ट को रोका गया। हेड कौन था? सतीश धवन थे। प्रोजेक्ट हेड कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सतीश धवन ने एपीजे अब्दुल कलाम से पूछे कि क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने, नहीं सर, सभी तो चीज परफेक्ट है, कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो। बोले कंटिन्यू करो, फिर जब आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कंटिन्यू करो। तो लॉन्च किए, उस टाइम पर जाने के बाद वो सैटेलाइट स्पेस में क्या हो गया? ब्लास्ट हो। जब स्पेस में ब्लास्ट हुआ, बच लो करोड़ों रुपया खर्चा होता है सैटेलाइट को बनाने में, तो जाहिर सी बात है इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया और वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इंटरव्यू फेस करने के लिए सतीश धवन ने इंटरव्यू फेस भी किया, लोगों से क्रिटिसिज्म भी लिया कि इंटरव्यू बोले आपने गवर्नमेंट में लाखों रुपया करोड़ों रुपया डुबा दिए, वो ठीक है सब सुन के वापस आए। नेक्स्ट ईयर 1979 अगेन सैटेलाइट लॉन्चिंग डेट हुई, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया 1979। इस बार सक्सेसफुली सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में क्या हो गया? इस बार सतीश धवन ने एपीजे अब्दुल कलाम को बोले कि आप इंटरव्यू देने चाहो। तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि सर लास्ट ईयर जब सैटेलाइट फेल हुआ था तो सारा क्रिटिसिज्म किसने लिया? आपने। तो इस बार जब जीते हैं, उन्होंने सक्सेसफुली प्लेस किए, तो इसका सक्सेस का क्रेडिट भी कौन लेना चाहिए? आप लेना चाहिए। बोले नहीं, सक्सेस मेरी नहीं है, मेरे टीम की, और इस बार लीडर कौन थे? तुम थे, तो तुम जाओ इंटरव्यू देने। कौन गया? एपीजे। लीडरशिप की क्वालिटी वहां से सतीश धवन ने हम लोग को सिखाई कि लीडर वो नहीं होता है जो सबके ऊपर थोपे ना, लीडर वो होता है कि गलती हुई तो भैया ठीक है मेरी वजह से, और जीतते हैं सक्सेस मिलती है तो वो टीम की मदद से। धोनी के अंदर यही एबिलिटी थी बच्चे, महेंद्र सिंह धोनी कभी भी टीम इंडिया हारती थी ना तो वो क्रेडिट अपने ऊपर लेता था,
ठीक है, टीम की मिस्टेक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको कोशिश करेंगे सही करने की। और कभी भी जीतती थी, कभी भी नहीं, इंडिया उसके कैप्टनसी में बहुत बार जीती है, तो जब भी इंडिया जीतती थी तो जो भी प्लेयर बेस्ट परफॉर्म करता था उस टाइम पे इंटरव्यू उसको देने भेजता। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडर जो आपको सीखनी चाहिए। क्लियर? सो बैक टू द टॉपिक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पर वर्ल्ड लीडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में इसरो का नाम आता है। क्यों नाम आता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग का स्पेस एरा इंडिया का स्टार्ट हुआ था। अगर आप लोग पुराने टाइम की पिक्चर देखेंगे तो बुलेट कार्ट के ऊपर वो लोग मिसाइल के पार्ट लेके जा रहे हैं, सैटेलाइट के पार्ट लेके जा रहे हैं, साइकिल के ऊपर सैटेलाइट के पार्ट लेके जा रहे हैं, एक चर्च को तोड़कर वहां पर पहला सेंटर बनाया गया था, टॉयलेट को तोड़कर रिसीवर बनाया गया था, यहां से स्टार्ट हुए थे हम लोग। और आज देखो नासा वर्ल्ड की लीडिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में काउंट हुआ होता है। सॉरी नासा बोलो, इसरो। इवन नासा के अंदर भी इंडियन ज्यादा है, नारा की नहीं। तो इस चीज में हम लोग स्पेस के मामले में बड़े अच्छे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में। बहरहाल इंडिया ने एजुकेशन पर्पस के लिए भी कुछ सैटेलाइट लॉन्च किया है, एजुसेट एक सैटेलाइट है जो सिर्फ किसके लिए लॉन्च किया गया है, एजुकेशन के पर्पस के लिए लॉन्च किया गया। समझ में आ रहा बच्चों? एक लास्ट टॉपिक दिया आपके बुक में, स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस, स्पेस के अंदर कचरा है, काहे का कचरा? देखो बहुत बार जब सैटेलाइट इनिशियली लॉन्च हुई थी ना, तो बहुत बार दो सैटेलाइट आपस में टकरा कर टूट गई, कोई सैटेलाइट खराब हो गई, ब्लास्ट हो गई। तो ऐसा होने की वजह से ना अपने स्पेस में अर्थ के अराउंड में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा पीसेस जिनकी साइज 1 सेंटीमीटर से क्या है ज्यादा है, वो अर्थ के अराउंड में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर। जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्या है, जब नया सैटेलाइट लॉन्च होता है तो ये जो पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहे हैं ना वो उससे टकराते हैं। सो पॉसिबिलिटी आते हैं कि जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है वो क्या हो जाए, टूट जाए। इसीलिए आपको वो स्पेस डेब्रिस को वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो फिर फ्यूचर में हम लोग नए सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पाएंगे, और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया इतनी सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं वो शायद यूज ना कर पाए। नासा इसलिए भी काम कर रहा है कि भैया किस तरीके से हम लोग वहां से स्पेस डेब्रिस को हटा सके। अरे समझा कि नहीं? पक्का कोई दिक्कत? ठीक है, कितना टाइम है, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं? एक न्यूमेरिकल तो हो जाए। अभी कितनी स्टोरी सुनाओ, चैप्टर तो चैप्टर कम स्टोरी ज्यादा सुनाया उसमें।